आज सुबह हमारे एक मित्र का फोन आया और मैंने उनसे मन की बात कही कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो। और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें, और भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे, मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो, हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो। और उसके लिए अगर हमें कहीं पर भी बैठ के हम उस काम को कर सकते हैं। आप अपनी तपस्या सड़क पर भी कर सकते हैं तो हिमालय पर भी कर सकते हैं, पानी में भी कर सकते हैं तो अग्नि पे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दल में रहकर आप अपनी तपस्या करो। और मैं तो कभी भाजपा में मूल रूप से था भी नहीं, हाँ ऊपर से मुझे बुलाया जाता था कि आप आइए हमारे यहाँ, जो राम को लाए हैं वो भजन गाइए, और वो भजन भी आप सुनेंगे तो उसमें कहीं भाजपा का नाम नहीं, उसमें महाराज जी हमारे गुरु हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए हमने वो गाया। वो आज भी हैं, कल भी रहेंगे, सदैव रहेंगे, चाहे हम किसी भी दल में जाएं या ना जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक माँ के दो बेटे अलग अलग दलों में भी है तो उनकी माँ नहीं बदल जाती, ऐसे ही हमारे गुरु हैं, गुरु रहेंगे। कांग्रेस पार्टी में मेरा जाने का मन है और मैं सेवा करना चाहता हूँ, लोगों का भला करना चाहता हूँ, लोगों का साथ देना चाहता हूँ, और एक मिथ खत्म करना चाहता हूँ कि एक ही दल के अंदर आप रहकर सनातन की सेवा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप कहीं पर भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, कहीं पर भी हों, आप सनातन की सेवा कर सकते हैं। आने वाले समय में कब ज्वाइन करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं आप सबको बताऊंगा, क्योंकि आप सब मेरे अपने हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहेंगे कि ये ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया, तो ऐसा आप उस चीज़ पर ध्यान ना दें, मैं पर्सनली कहूँ। क्योंकि सबसे बड़ा मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि हम किसी दल के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम सनातन के लिए काम कर रहे थे, और जब भी कर रहे थे उसी के लिए कर रहे थे और उसी के लिए करते रहेंगे, और उसी के लिए करते हुए हमें अगर कुर्बान भी होना पड़ेगा तो हो जाएंगे, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करना पड़ेगा उस दिन हम कहीं पर भी नहीं काम कर सकते। हम जिस काम के लिए कर रहे हैं, अपने श्याम बाबा के लिए, अपने बालाजी के लिए, अपने सनातन के लिए, अगर हमें बल मिलेगा तो वो बल सनातनियों के हक के लिए, उनके साथ देने के लिए काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सब मीडिया देख रहे हैं, नेशनल न्यूज़ पर सब खबरें चल रही हैं, तो आप सब मेरे जो फॉलोवर्स हैं, जो मुझे चाहते हैं, प्यार करते हैं, जो मुझे छोटा भाई मानते हैं, आप सब तक मेरी बात पर्सनली पहुंचना बहुत ज़रूरी थी। पिछले दो दिनों से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सभी सनातनी भाई बहन और ख़ासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे इतना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है। दो दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप सब परेशान हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूँ, उसे वापस लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। आज मैं टूटूंगा तो पता नहीं कितने और टूटेंगे। तो हम सब मिलकर राम के थे, राम के हैं, राम के रहें, और पुनः आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ जिसके कारण आप डिस्टर्ब हुए। और कोई अपना ही होता है, जब कोई अपना गलती करता है तो कोई अपने ही हैं जो तंग होते हैं, परेशान होते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे मन की बात गलत है और इसको मैं वापस लूं और आप सबका धन्यवाद करूं, सपोर्टर्स का, प्यार करने वालों का।